डांस डांस वेरी गुड। कौन डांस कर रहा है करके दिखाओ। ये कौन सीधा हो जाओ क्या आएगा अभी आएगा। यहाँ पे हम सेल में आए थे कपड़े देखने और लोअर पसंद करा था सीढ़ी के लिए। कौन सा वाला आया देखिए मुझे नहीं पता कौन सा पसंद किया कौन पहले दिखा तो मुझे फोटो क्या कौन सा वाला पसंद किया देखूंगी तो जब फोटो तो बता मुझे। देख ऊपर कौन सा ये नहीं ये भी छोट ये वाला तीस ये वाला भेज जाता है जो 30 का मार है ये क्या है। हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और अभी आ गए हैं हम रूम में। तो यहाँ पे चादर झाड़ेंगे मतलब झाड़ के दोबारा से लगाएंगे। बिछाने तो यही वाली है कल पता परसों चेंज की थी चेंज नहीं करूंगी बस बिछानी है दोबारा से लगानी है बेड पे। और अभी करना है झाड़ू पोछा सब बाकी है। ऊपर के रूम का मैं करके आ गई हूँ छत का और रूम का कपड़े सुखाने गई थी तभी कर आई थी। और अब यहाँ का कर लेते हैं और आपके साथ शेयर भी करेंगे तीन लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं पहले बेडशीट लगा देती हूँ तो अच्छे से दबा के लगानी पड़ेगी काफी पूरी बड़ी बेडशीट है ये। कोई कोई तो थोड़ी सी छोटी आ जाती है पूरी बड़ी बेड शीट है। और साथ साथ बेड पर कपड़ा भी लगा दूंगी इधर को। तो मैंने दीवार की तरफ से ना गद्दे खिसका लिए थे थोड़े से अभी ने टच कर दूंगी दोबारा से उधर से दबा दिए अभी ने टच कर देंगे तो ऐसे अच्छे से चादर लग जाती है मतलब अच्छे से दब जाती है उस तरफ खिसकती नहीं है बेड जल्दी से। और अभी घर पे कोई नहीं है मैं अकेले हूँ। संजीव गया स्कूल मम्मी गई चाची के घर और ज्योति गई जिम और मैं करती हूँ वही अपना काम। और आज मैंने सर धुला था तो बाल अभी गीले हैं मेरे तो इसलिए अभी क्लेचर खोला है ऊपर को फोल्ड कर रखा है तो मैंने कहा तब तक काम करूंगी सूख जाएंगे फिर संजीव करके फिर बाल लेंगे। तो यहाँ से इसीलिए फिर मैं साथ साथ ही वॉइस कर रही हूँ क्योंकि सारे रहते हैं ना तो फिर वॉइस नहीं हो पाती। कोई फोन चलाता रहता है बीच में म्यूजिक आ जाते हैं रील वगैरह देखते हैं तो फिर कॉपीराइट आ जाते हैं फिर उन्हें साइलेंट करते रहो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है फिर वीडियो एडिट करने में अगर कॉपीराइट आ जाए दोबारा से फिर सारी करो। और यहाँ पे चादर लगा दी है अब तक ये रख देते हैं और तक ये बहुत सारे रखने पड़ते हैं हमारे बेड पे क्योंकि सारे ही दो दो लेके लेटते हैं तो मैं 6 तक ये रखती हूँ बेड पे सबको दो दो दिए बस मैं एक लगाती हूँ।
तो यहाँ पे कर दिए हैं सेट तकिए भी, बेड भी हो गया है। अब चलते हैं बाहर हॉल में, सोफा सेट करेंगे, कवर ववर लगाएंगे, पूरा बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पे आ गए हम बाहर, तो सोफे का कवर सही करते हैं। पूरा इधर उधर हो जाता है, बिगड़ा पड़ा है सारा, तो अच्छे से सेट कर देंगे और हमारी डब्बू आएगी फिर से तुरंत, सब कुछ एकदम से सारा सेट कर देती है आते ही। उसे काम अच्छा नहीं लगता, साफ सूफ किया हुआ फैला देती है तुरंत सारी चीज इधर उधर, और हाथी की तो गर्दन ही काट दी, वही हाथी मर गया मामी, हाथी को तो उसने मार दिया, सिलना पड़ेगा नहीं तो वो सारा इसका बाहर निकाल देगी। झाड़ के लगा देते हैं दोबारा से, सुबह सुबह तो बहुत काम हो जाते हैं एक बार उठते ही तो। यहाँ पे लग गया है कवर, हो गया है सोफा भी सेट। हो गया है हमारा सोफा भी सेट। तो यहाँ पे अभी कर रही थी मैं झाड़ू और रूम में करके आ गई थी, और यहाँ की रह रही है, फिर पूरा झाड़ू का दिखाती तो काफी लंबा व्लॉग हो जाता है इसलिए। और गली में से आवाज आ रही है, आइसक्रीम वाले होंगे, उसी की ही आवाज आ रही घंटी। और यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से, और झाड़ू में ना बाल हो सकते हैं और ज्योति के ज्यादा टूटते हैं, मैं तो पूरे दिन खोल रखती हूँ, वो खुले रखती है ना तो गिरते रहते हैं, झाड़ू में भी आएंगे और फिर एक दो तो पोछे में भी आ जाते हैं, अच्छे से झाड़ू करो उसके बाद भी रह जाता है। और यहाँ पे बस फटाफट करते हैं झाड़ू, फिर उसके बाद करेंगे डस्टिंग, और अभी नीचे का भी काम बाकी है, ऊपर के रूम का और छत का हो गया है, करते हैं अभी फटाफट से। बीच में सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि किचन हो जाता है खाना के। और देखो ये क्लिप तो मैंने अभी वीडियो में देखी है, यहाँ लगा रखी है, सुबह यहाँ बाथरूम में उतारी थी और फिर नहा के इसे सूट पे टांग दी, अभी हटा के रखते हैं और बस, और आगे दिखाएंगे ज्यादा झाड़ू दिखाएंगे तो बहुत। यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं हम डस्टिंग, तो यहाँ कर रही हूँ मैं डस्टिंग, कुछ दिखा देती हूँ कुछ नहीं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एसी की जाली निकाल ली थी और इसमें खूब सारा डस्ट हो रहा था, पूरा ब्लैक हो रही थी, और 10 ही दिन हुए होंगे, लेकिन आंधी वांधी इतनी चलती है और फिर पूरे दिन ऐसे चलता रहता है, सारा अपनी तरफ ही खींच लेता, अंदर किचन भी है, गैस भी चलती रहती है, तो बहुत गंदी हो रही थी, पूरा डस्ट डस्ट से भर गई थी, तो बस वही मैंने निकाली थी और यहाँ पे मैं इसे साफ कर रही हूँ। तो ऐसे धो रही थी तो फिर ऐसे तो नहीं निकल रहा था सारा, और फिर उसके बाद मैंने इसे ना अच्छे से ब्रूश से क्लीन किया था, पूरी को अच्छे से साफ कर दिया था। और इधर ज्योति आई थी अभी जिम से, जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में पीछे, और बस मैं अपना काम कर रही थी और पोछा और बाकी है, तो फिर मुझे जाली याद आ गई थी, मैंने कहीं से साफ़ कर लेती हूँ,
फिर पानी वानी गिरेगा तो पोछा करूँगी, पहले इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे बुरुश से और वैसे करके अच्छे से धो लिया, और धो के फिर झाड़ के सुखा के लगा दिया था दोबारा से। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इस साल बरसात भी नहीं हुई, ये एक दिन हुई थी, हल्की सी हुई थी वो भी, और आंधी के साथ ही हुई थी तो पता भी नहीं लगा था, थोड़ी सी बारिश हुई थी उसका। और बस यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है अच्छे से क्लीन, और उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, पोछा और बाकी है, और फिर खाना बनाऊंगी, पोछा बाकी है और खाना भी बाकी है। और ये तो शायद उसी टाइम का वीडियो है जब संजीव स्कूल जाता था, और लेट हो गए थे ना मेरे व्लॉग, मैंने आपको बताए थे सारे वीडियो लेट हो रखे हैं, तो यहाँ पे शायद संजीव की छुट्टी नहीं पड़ी है, उस दिन का ही है ये वीडियो। और बस मैं यहाँ पे कर रही थी ज्योति से बात कुछ, और यहाँ से साफ़ कर देती हूँ बस, फिर करूँगी पोछा, और पोछा करके फिर देखते हैं क्या बनेगा, वो बनाएंगे और आपको भी दिखा देंगे। और ज्योति यहाँ कुछ कह रही थी कि क्या बनाएगी, वही पूछ रही थी खाने के बारे में ही, मैंने कहा देखती हूँ अभी कि क्या क्या रखा है, क्या बनाऊँगी सब्ज़ी में। सब्ज़ी का ही डिसाइड करना सबसे मेन दिक्कत हो जाती है, एक तो सारी सब्ज़ी सब खाते नहीं हैं, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, रोज़ रोज़ दोनों टाइम का समझ भी नहीं आता। कोई सब्ज़ी तो ऐसी होती है जिन्हें हर कोई खा लेता है, नहीं तो ये हरी सब्ज़ियाँ बना लो, इन्हें मेरा बेटा नहीं खाता है, तो इसी चक्कर में बहुत सोच के कुछ बनाना पड़ता है। देखते हैं क्या बनाएंगे। और यहाँ पे देखो अच्छे से हो गया बिल्कुल क्लीन, मैंने कर दी है उससे ब्रश से और साबुन लगा के अच्छे से साफ कर दी है, और अब इसे अच्छे से पोंछ पाँच देंगे, झाड़ देंगे और फिर इसे लगा देंगे, और उसके बाद फिर दिखाएंगे कि क्या बनाया। पोछा करते हुए फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, और ये करेले तो रात में बने थे वो रखे हुए हैं, और फिर मैंने कोई वीडियो कंटिन्यू नहीं किया, उसके बाद खाना बनाने के बाद का दिखा रही मैं ये आपको। और ये बनाए थे मैंने तोरी के छिलके और तोरी की सब्ज़ी, तो मेरा बेटा इनमें से कुछ नहीं खाएगा तो उसके लिए कुछ और देखना पड़ेगा। तोरी के छिलके की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो बताना, मैं कमेंट में रेसिपी ज़रूर दूंगी। और ये है तोरी की सब्ज़ी, तो करेले रात के रखे हुए थे, तो ये हमारा लंच हो गया है, भैया का देखेंगे क्या बनेगा।